सो देखो व्हाट वी आर सेइंग, अगर हमारे पास इस प्रकार से तीन चार्जेस है Q1, Q2 एंड Q3, दे आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस R1, R2, R3 फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अब Q1, Q2 का डिस्टेंस रहेगा R12, Q1, Q3 का डिस्टेंस है R13। सो अब हमने क्या कहा, बिकॉज ऑफ Q3 Q1 पर फोर्स लगेगा विच विल बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2, दैट इज अलोंग R13। वैसे ही Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा F12, इट विल बी अगेन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने कहा कि Q1 जो एक्सपीरियंस कर रहा है, ये दोनों फोर्सेस को साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंस कर रहा है F1, और ये इसका रिजल्टेंट रहेगा। अब हम क्या इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? सो बिल्कुल सही है, हम आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो देखो व्हाट विल बी F12, F12 फोर्स कितना रहने वाला है? सर F12 फोर्स रहेगा दो चार्जेस के बीच का फोर्स 1/4πε0 k की वैल्यू इनटू दो चार्जेस जो है वो Q1 Q2। F12 के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ इसके बारे में, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस R12 का स्क्वायर। कौन से डायरेक्शन में रहेगा? सर इट विल बी अलोंग लाइन जॉइनिंग R12। सो मैंने यूनिट वेक्टर लिखा है। अब डिपेंडिंग ऑन पोलैरिटी ऑफ Q1 Q2, ये डायरेक्शन R12 के अलोंग रहनी या उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहनी, ये डिसाइड होगा। क्या सही है? हमने ये डिस्टेंस बताया, डायरेक्शन भी बता देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आ जाएगा हमारा R12, ये आ जाएगा हमारा R13। ठीक है, ये डायरेक्शन है R12, दिस इज R13। सो ये रहेगा यूनिट वेक्टर R12। अगर इसकी पोलैरिटी निगेटिव है तो माइनस साइन आ जाएगा, सो R12 के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रहेगा, ठीक है। जस्ट एक मिनट, हाँ सो सिमिलरली कैन वी कैलकुलेट F13 1/4πε0 Q1 Q3 जो चार्जेस उनके बीच का डिस्टेंस R13 का स्क्वायर एंड इट विल बी अलोंग यूनिट वेक्टर R13। अगर निगेटिव है एखादा भी कोई तो ये माइनस डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मतलब अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। अब Q1 पर लगने वाला F1 इज वेक्टर एडिशन ऑफ F12 प्लस F13। सो दिस इज वेक्टर एडिशन, हाँ सो इसे लिखना पड़ेगा हमें। क्या कुछ जो कॉमन निकलने वाला है वो कॉमन निकाल लू क्या? 1/4πε0 वैसे भी कॉमन निकलने वाला है, यहां पर बचने वाला है Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इनटू R13 का कैप। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। सर मतलब 1/4πε0 तो हमेशा कॉमन रहेगा, और फिर क्या है, जिस चार्ज पर फोर्स लग रहा है जैसे F1 पर लग रहा है तो वो चार्ज की दूसरे चार्ज के साथ की पेयर और उसका डिस्टेंस, ऐसा आपने लिखा है यहाँ पर। सो अगर यहाँ से Q1 भी अगर अगर आप Q1 को भी कॉमन निकलते हो तो ये बन जाएगा Q1
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 बाय r, तो ये हो जाएगा q2 अपॉन r12 का स्क्वायर r12 कैप प्लस q1 बाहर चला गया q3 अपॉन r13 का स्क्वायर इनटू r13 का कैप। सर इसका मतलब अगर ऐसे इन चार्जेस हो गए, बहुत सारे चार्जेस हो गए, सो वी कैन राइट अवर फोर्स ऑन वन विल बी समेशन ऑफ F1 plus F2, F1 2, F1 3, F1 4 and so on up to 1n। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? सो ये इस प्रकार से आ जाएगा, जो कौन से चार्ज पर लग रहा है, Q1 बाहर आ जाएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर कौन रहेगा, 2 के कारण लग रहा है, सो Q2 R12 का स्क्वायर R12 की कैप। दूसरा फोर्स किसके कारण है, 3 के कारण, Q3 R13 का स्क्वायर इनटू R13 कैप, 4 भी ऐसे ही आ जाएगा एंड सो ऑन Qn R1n का स्क्वायर R1n की कैप। ठीक है, अब इतना लंबा हमेशा हम नहीं लिखेंगे, वी विल यूज समेशन साइन इन दिस केस, सो दिस F1 विल बी समेशन ऑफ, जिस फोर्स पर लग रहा है उस फोर्स को पहले लिख लेते हैं, जो कॉमन फैक्टर है 1/4 pi epsilon naught समेशन ऑफ r = 2 to n qn r1n का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी qn नहीं qi, क्या आ जाएगा ये q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन है, समेशन ऑफ ये 2, 3, 4, इसके जगह i आ गया r1i का स्क्वायर, ठीक है, r12 r13 r14 का स्क्वायर, और ये डायरेक्शन के लिए कैप। ठीक है, इस प्रकार से आप ओवरऑल जो फोर्स लगने वाला है उसे आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए कैलकुलेट करके एक आधा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा फील आ जाएगा। ठीक है, देखो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वी हैव, कंसीडर 3 इक्वल चार्जेस प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ रेडियस ऑफ साइड एल। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट सेंट्रोइड। सेंट्रोइड पर अगर आप कोई कैपिटल क्यू चार्ज रखते हो तो कितना फोर्स लगने वाला है, निकाल लो।
सो देखो क्या है हमारे पास, ये चार्जेस है छोटा क्यू छोटा क्यू छोटा क्यू, और यहाँ पर चार्ज रखा है कैपिटल क्यू। कहाँ पर रखा है? सेंट्रोइड पर। तो आपको कहा है इस सेंट्रोइड पर लगने वाले चार्जेस का फोर्स, चार्जेस पर जो फोर्स लग रहा है वो निकाल लो। तो देखो आपको ध्यान में आएगा सर ऑल दी चार्जेस आर पॉजिटिव, ये सभी कैसे हैं? ये सभी पॉजिटिव चार्जेस है, तो इसके कारण जो फोर्स लगने वाला है दैट विल बी रिपल्सिव फोर्स। तो इसे मैं कहता हूं 1 2 3, तो ये फोर्स बन जाएगा बिकॉज ऑफ 1 F1 ये फोर्स बन जाएगा F2 और ये बन जाएगा F3। क्या सही है F1 F2 F3? हाँ सर बिल्कुल सही है। बस अब इसको कैलकुलेट करना है, इसकी साइड दी है L, क्या कैलकुलेट कर पाएंगे क्या हम? तो देखो नेट फोर्स F ये क्या रहने वाला है, F1 प्लस F2 प्लस F3 की वेक्टर सम, क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो अब वेक्टर सम करनी है तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप? सर फोर्सेस के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे और फिर एक्स डायरेक्शन में कितना है और वाई डायरेक्शन में कितना है ये अपन कैलकुलेट करके उनको ऐड कर सकते हैं एंड देन एक्स वाई का फाइनली रिजल्टेंट निकालेंगे। आई क्या प्रोसेस याद में? यस सर। ठीक है तो पहले तो एक काम कर लेते हैं, ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं F1 F2 F3, फिर करेंगे उसके एक्स एंड वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट। ठीक है तो देखो बिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रोइड एंड इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको पता है क्या? द चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट same distance from charges at 1, 2 and 3। ठीक है सेम डिस्टेंस है क्योंकि सेंट्रोइड ये वर्टेक्स से इसकी डिस्टेंस होता है और ये डिस्टेंस कितना रहेगा? तो अगर आपको थोड़ा सा याद आता होगा तो सर ये सेंट्रोइड हमारे इस साइड को 2:3 इसमें ब्रेक डिवाइड करता है, सॉरी 2:1 में। सो ये जो लेंथ रहेगी ये दिस इज 2/3 टाइम्स ऑफ ये लेंथ, और ये एंगल अगर 60 है तो ये आने वाला है एल साइन 60। देखो फिर से एक बार यहां पर, हाँ ये जो डायग्राम निकाली है साइन 60 क्या आ जाएगा, साइन 60 विल बी ये वाली साइड जिसको मैं एच कहता हूं अपॉन हाइपोटेनियस एल, सो एच इक्वल टू एल साइन 60, साइन 60 की वैल्यू 3/2। और अब
हमारे काम का जो डिस्टेंस है इट इज टू पार्ट आउट ऑफ टोटल थ्री. सो अवर आर विल बी 2/3 टाइम्स ऑफ एच, दैट इज 2/3 टाइम्स ऑफ एल साइन 60, दैट इज एल इंटू √3/2. सो आर इक्वल टू एल बाय रूट थ्री. क्या आया क्या ध्यान में बोलो? अगर ये ध्यान में आया तो आगे जाते हैं. यस सर. सभी को ये देखो, ये बेसिक ज्योमेट्री है इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हमने पहले भी यूज की है पर यहाँ यूज करना जरूरी है. सो यहाँ पर हम कहते हैं, मैं पूरा पार्ट अभी इरेज करता हूँ. Here R equal to L by root 3. So force का magnitude देखो, force का magnitude हो जाएगा F equal to छोटा Q into capital Q into K upon R का square, that is K capital Q into छोटा Q, L by root 3 का square will be L square upon 3, that is K into 3 times capital Q into छोटा Q upon L square. क्या ध्यान में आया क्या? हाँ सर, बिल्कुल ध्यान में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब देखो, अब अगर मैं इनके कंपोनेंट लेने जाता हूं तो देखो यहां पर ये जो F1 F2 लग रहा है, ये F2 का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा. सिमिलरली F3 का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा. क्या सही है? अब देखो, ये टोटल 60 डिग्री का एंगल है, ये कितना हो गया? ये 30 डिग्री हो गया. अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो गया? 30 डिग्री. सिमिलरली ये भी 30 डिग्री का हो गया. सो ये F3 का x डायरेक्शन का एंड F2 का x डायरेक्शन का बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी विल कैंसिल ईच अदर. क्या सही है क्या? सो देखो आगे हम लिखेंगे, रिजॉल्विंग F2 एंड F3 along x and y direction, the x component of F2 and F3 कितना रहने वाला है वो? F cos 30 are in opposite direction and will cancel each other. Cancel की जगह will balance each other. ठीक है. So net force horizontal direction में कितना लगेगा? देखो ये F cos 30 positive है, ये F cos 30 negative है ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बैलेंस करेंगे एक दूसरे को. सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का नेट फोर्स जीरो. सो अब नेट फोर्स कौन सा बचा है? वर्टिकल डायरेक्शन में, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये है मेरा F1 और ये ऊपर वाला कंपोनेंट कौन सा है? ऊपर वाला रहेगा F2 साइन 30 एंड F3 साइन 30.
अब y डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो ये f1 माइनस लेना पड़ेगा, माइनस f1 प्लस f2 साइन 30 प्लस f3 साइन 30, दिस इज f नेट। सो देखो f1 की वैल्यू कितनी है, f इतनी, सो यहाँ आएगा माइनस f, f2 की वैल्यू f साइन 30 इज 1 बाय 2 प्लस f3 की वैल्यू f साइन 30 इज 1 बाय 2, f बाय 2 प्लस f बाय 2 इज f, माइनस s प्लस f 0। सो y डायरेक्शन का भी नेट फोर्स हो गया 0। सो बेसिकली एनी चार्ज placed at centroid of an equilateral triangle where equal charges are situated at vertex, the net force will be zero. क्या सही है क्या? Yes, sir. अब इसमें से एक भी चार्ज बदल गया या उसकी पोलैरिटी बदल गई तो फिर गेम बदल जाएगा। आया ध्यान में? हाँ सर। सर यहाँ पर सुपर पोजिशन कहाँ पर है? यहाँ पर सुपर पोजिशन ये है कि ये फोर्स आपका जो आप कैलकुलेट कर रहे हो F, इसके वर्क ये प्लस Q, कैपिटल Q एंड छोटा Q को कंसीडर कर रहे हो, बाकी दो चार्जेस के एग्जिस्टेंस को आप टेंशन नहीं ले रहे हो। सो F1 जब कैलकुलेट कर रहे हो तो चार्ज एट वन एंड चार्ज एट सेंट्रोइड इज कंसीडर्ड, व्हाइल चार्ज एट टू एंड थ्री इज इग्नोर्ड, व्हाइल चार्ज कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू क्यू वन पर जो चार्ज है, टू पर जो चार्ज है और थ्री पर जो चार्ज है, इन सभी को साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंस कर रहा है। यहाँ पर सुपर पोजिशन हो रहा है। क्या क्लियर है क्या? ध्यान में आ गया या और एक क्वेश्चन करके समझ ले? सर वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, बिल्कुल धीरे से जाएंगे ना, कोई हड़बड़ी नहीं है, आप सिर्फ समझ लो, कहीं पर डाउट है तो पूछ लो, एक और करते, नो प्रॉब्लम। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही करते हैं। ठीक है, कोई भी। हाँ, अब मैं देखो इनको नाम देता हूं, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और इन्होंने प्लस क्यू कहा है तो इस प्लस क्यू को अपन कंसीडर करेंगे। ठीक है, दिस इज चार्ज अंडर कंसीडरेशन, साइड एल है, एक काम करते हैं
एक को मैं कैपिटल क्यू कर देता हूं, बोलने के लिए आसान हो जाएगा, इसको कैपिटल क्यू कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप कोई टेंशन नहीं है। लगे तो फिर आगे कंडीशन ले सकते हो, कैपिटल क्यू इज टू टाइम्स ऑफ क्यू इज क्यू या कुछ भी, ठीक है, उससे वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब देखो, अपने जो प्लस क्यू जो अपने को इंटरेस्ट है उसके ऊपर किसके कारण फोर्स लगेगा, कैपिटल क्यू के कारण। उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से रिपल्सिव लेनी पड़ेगी, ठीक है, ओके सर, बढ़िया है। माइनस क्यू के कारण इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, अट्रैक्टिव, यह अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, ठीक है। और देखो फिर इसके ऊपर नेट लगने वाला फोर्स विल बी रिजल्टेंट ऑफ दिस, और वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका रिजल्टेंट कुछ तो इस प्रकार से आने वाला है। ये रिजल्टेंट रहेगा, सो नेट फोर्स। अब देखो इसे कैलकुलेट करते हैं, सो नेट फोर्स एफ विल बी एफ ऑन छोटा क्यू बाय कैपिटल क्यू, एफ ऑन छोटा क्यू बाय माइनस क्यू, ठीक है। सो एफ विल बी एफ क्यू क्यू प्लस एफ क्यू माइनस क्यू, ठीक है, कितना रहेगा ये f छोटा q इंटू कैपिटल q वाला, k प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, छोटा q इंटू कैपिटल q उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये कितना रहेगा, मैं साइन ले रहा हूं प्लस k प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस q इंटू माइनस q उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, विच इज एल स्क्वायर। सर आपने तो ये मैग्नीट्यूड लिखा, सिर्फ डायरेक्शन तो लिखी नहीं, बिल्कुल डायरेक्शन लिख लेंगे, ये इसको जॉइन करने वाले लाइन के अलोंग, इसे हम कहेंगे आर क्यू क्यू डैश गैप, और ये रहेगा आर ये देखो, हाँ इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है, और ये भी इसको ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये आ रहे हैं हमारे आर कैपिटल क्यू इंटू छोटा क्यू, दिस इज आर क्यू माइनस क्यू, और ये आ जाएगा आर कैप ऑफ क्यू माइनस क्यू, क्या सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ कॉमन निकलता है, ब्रैकेट के अंदर रहेगा, प्लस यहां पर रहेगा, माइनस आ जाएगा, माइनस क्यू आर कैप क्यू डॉट क्यू क्यू माइनस क्यू, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है सर, क्या ऑप्शन है, इनको आप रिजोल्व कर लो एक्स एंड वाई डायरेक्शन के अलोंग, रिजोल्व कर सकते हैं सर, ये तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग है, कोई टेंशन नहीं, इसको ही रिजोल्व करना पड़ेगा, कैसे रिजोल्व करोगे,
ठीक है, अब आप लिखोगे इसे के छोटा क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। अब देखो हाँ, ये कितना आने वाला है, ये एंगल हो गया अपना कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट है ना, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो दिस इज एफ कॉस 60 और ये आ जाएगा एफ साइन 60। कॉस 60 इज 1/2, दिस इज √3/2, ठीक है। सो अगर इसे रिजोल्व करता हूं तो ये के क्यू एल स्क्वायर ये वाला पार्ट बाहर आ गया, यहां पर क्या बचने वाला है, दिस इज यूनिट वेक्टर, सो क्यू कॉस 60 आई कैप पॉजिटिव डायरेक्शन में है, दैट इज 1/2 आई कैप, ये निगेटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए माइनस √3/2 जे कैप, ठीक है। और ये देखो इसको लिखना पड़ेगा आर कैप, ये कौन से डायरेक्शन में है, माइनस आर क्यू क्यू, कौन से डायरेक्शन में है, ये टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये आ जाएगा माइनस जे कैप, सॉरी माइनस आई कैप, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए माइनस आई कैप, सो ये पूरा बन जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर कैपिटल क्यू बाय टू इंटू आई कैप माइनस क्यू √3/2 इंटू जे कैप माइनस छोटा क्यू इंटू आई कैप, ठीक है। अब इनका मैग्नीट्यूड अगर आपको पता है ये कितना है क्या है, तो आप आराम से इसे ऐड करके रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा ये निकाल सकते हो। आया क्या ध्यान में? अब हमने इस क्यू तीनों चार्जेस अलग अलग लिए, अगर ये तीनों चार्जेस अलग अलग नहीं रहते तो ये कैपिटल क्यू के जगह छोटा क्यू आता, और ये जो आई कैप हमने लिखे है उनकी एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉसिबल हो जाती, ठीक है, और फिर आप नेट फोर्स बता पाते। क्या सही है क्या? ठीक है, अब देखो आपको ध्यान में आ जाएगा इस फोर्स की डायरेक्शन, जे कैप का कंपोनेंट निगेटिव है, मतलब एक कंपोनेंट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्यू बाय टू माइनस क्यू, सो ये डिपेंड करता है क्यू के मैग्नीट्यूड पर, अगर क्यू का मैग्नीट्यूड ये ज्यादा है तो ये पॉजिटिव वाला कंपोनेंट बढ़ेगा, नेट फोर्स मतलब ये वाला फोर्स बढ़ेगा, ये वाला फोर्स बढ़ गया तो आपका रिजल्टेंट ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, अगर Q की वैल्यू कम है तो ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये Q आई कैप ये तो निगेटिव है ना, सो ये दोनों के सब्सट्रैक्शन पर Q बाय टू एंड माइनस Q, ये पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है इसके ऊपर आई राइट में रहेगा या लेफ्ट में रहेगा डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये डायरेक्शन कहाँ रहेगी रिजल्टेंट की। क्या समझ में आया है किस प्रकार से कैलकुलेट करना, ध्यान में आया क्या? लगे तो हम एक काम कर सकते हैं, वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, मतलब आपको और फील आ जाएगा। अब उसमें वैल्यूज ऐसी लेते हैं कि कुछ कट छाट हो जाए, ओके देखो क्या क्वेश्चन है, फोर चार्जेस आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वेयर
ऑफ साइड ए फाइंड द रिलेशन बिटवीन क्यू एंड क्यू सो दैट फोर्स ऑन क्यू विल बी जीरो। ये है बढ़िया सवाल। तो देखो क्या कहा है, एक स्क्वायर है, और इस प्रकार से चार्जेस लगते हैं। ये है क्यू, ये है क्यू, ये है कैपिटल क्यू, ये है छोटा क्यू। अब आपको कहा है कि भैया ये बता दो कि कैपिटल क्यू और छोटा क्यू का रिलेशन क्या होना चाहिए, सो दैट नेट फोर्स विल बी, नेट फोर्स ऑन क्यू विल बी जीरो। इनको नाम देता हूं मैं ए बी सी डी, ठीक है। चलिए बी वाला चार्ज कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज तो आपको ध्यान में आई होगी, जो Q की पोलैरिटी रहेगी वही Q की पोलैरिटी रहेगी, क्या सही है? तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? अरे छोटा Q जो है ये दोनों सेम है ना, ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? सर वो तो रिपेल करने वाले हैं, कोई डाउट नहीं। एक सेकंड, एक काम करते हैं इसको ना थोड़ा सा अपन एकदम बारीक कर देते हैं। सो ये तो इसको रिपेल करने वाला है। अब आपको क्या कहा है, इस बी वाले चार्ज पर नेट फोर्स जीरो आपको लगना चाहिए, ऐसा कहा है। ठीक है, So, अब आपका कॉमन सेंस कहता है ये जीरो, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो कब रहेगा? जब कैपिटल क्यू के कारण लगने वाला फोर्स इसको बैलेंस करेगा, क्या सही है? क्या तभी ये देखकर बैलेंस होगा ना? अब देखो ये बैलेंस होगा तो इसके कंपोनेंट ये इस प्रकार से होने चाहिए, क्या ध्यान में आया? क्या देखो दिस इज फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ डी, सो नेट फोर्स जीरो होने के लिए ये फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ सी एंड फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए, इनका रिजल्टेंट ये इस प्रकार से आना चाहिए, एंड एफ आर एंड एफ बी डी इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, क्या ध्यान में आया इतना पार्ट? अरे हाँ या ना कुछ तो बोल दो, ठीक है। देखो जो कैपिटल क्यू की पोलैरिटी है वही, सॉरी जो छोटे क्यू की पोलैरिटी है, मतलब अगर छोटा क्यू पॉजिटिव है तो छोटा क्यू ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये रिपेल करेगा। छोटा क्यू अगर निगेटिव है तो छोटा क्यू भी इस छोटे क्यू को रिपेल करेगा, सो एफ बी डी तो इतना रहेगा, 110% गारंटी। अब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए सो दैट इसके ऊपर ये सी एंड ए पर जो चार्ज है उनके कारण लगने वाला फोर्स ये एफ बी डी के इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए, बट ये फोर्स किसके कारण लगेगा? So, ये लगेगा ये दोनों के रिजल्टेंट फोर्सेस के कारण, क्या सही है? क्या सो इस डायरेक्ट डायग्राम से आपको ध्यान में आ गया पहले तो एफ बी डी की मैग्नीट्यूड निकाल लेते,
FBD कितना आएगा? K छोटा Q इंटू छोटा Q, ये दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स है ना ये, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? डायगोनल, इतना स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? रूट टू टाइम्स ऑफ साइड उसका स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये कितना आ गया? K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, नाउ फोर्स ऑन बी विल बी जीरो इफ रिजल्टेंट ऑफ एफ बी सी एंड एफ बी ए विल बी इक्वल टू इज इक्वल टू एफ बी डी इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। Therefore, Q and छोटा Q should attract each other. ठीक है, ये फोर्स अट्रैक्टिव होना चाहिए, डायग्राम से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और यहां पर हम लिख लेते हैं therefore FBD का जो मैग्नीट्यूड है this should be equal to magnitude of FR. ठीक है, and also ये एंगल कितना हो गया? Is it 45 degree? So मैं ऐसा लिखूं FBC, FBC equal to FR cos 45. क्या सही है? ये FR का हॉरिज, ये कंपोनेंट है FBC, ये FR के कंपोनेंट है ना दोनों। FBA एंड FBC, सो देखो FBC, FBC की वैल्यू आप निकाल सकते हो, पर कितना रहेगा ये? K कैपिटल Q इंटू छोटा Q अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू एफ आर। एफ आर किसके बराबर है? एफ बी डी के बराबर। के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। कौन कौन गायब हो रहा है यहाँ का? के गायब हो गया, क्यू गायब हो गया, क्यू स्क्वायर चला गया, ए स्क्वायर चला गया, के भी चला गया, के के चला गया, क्यू क्यू स्क्वायर के क्यू के साथ चला गया, ए स्क्वायर चला गया, बचा क्या? कैपिटल क्यू इक्वल टू क्यू अपॉन 2√2। आया क्या आंसर? कैपिटल क्यू इक्वल टू छोटा क्यू अपॉन 2√2। आपको यही तो रिलेशन फाइंड आउट करना था। क्या सही है? ठीक है, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। देखो हमने क्या कहा, आपको इतना ही कहा था कि इस प्रकार से फोर चार्जेस है, कैपिटल क्यू छोटा क्यू, कैपिटल क्यू छोटा क्यू आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। ये स्क्वायर है जिसकी साइड ए है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड छोटा क्यू सो दैट फोर्स ऑन छोटा क्यू चार्ज विल बी जीरो। सर यही क्यों लिया आपने? ये इसलिए लिया कि जगह की एडजस्टमेंट के लिए, बाकी कुछ भी नहीं। सो हमने स्क्वायर लिया ए बी सी डी जिसकी साइड है ए, और यहाँ पर इस प्रकार से कैपिटल क्यू छोटा क्यू, कैपिटल क्यू छोटा क्यू ऐसे चार्जेस प्लेस किए। ठीक है, फिर कहा देखो यहाँ पर लगने वाला फोर्स लिखते हैं कैपिटल क्यू वाला छोटे क्यू पर। सो मुझे पता है ये छोटे, जो ये छोटा क्यू की पोलैरिटी है पॉजिटिव नेगेटिव जो कोई भी होगी वो इसकी होगी, और लाइक चार्जेस विल रिपेयर ईच अदर। So, ये B पर D के पास जो चार्ज रखा है उसके कारण लगने वाला फोर्स FBD
ये मैंने कैलकुलेट कर लिया कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस उनके बीच का डिस्टेंस मतलब डायगोनल के डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, डायरेक्शन डायग्राम में दिखाई है, डायग्राम निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे ध्यान में आया कि नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन फोर्स बी पर लगेगा बिकॉज ऑफ चार्जेस प्लेस एट ए एंड सी। अब अपोजिट फोर्स तभी लगेगा अपोजिट डायरेक्शन का जब ये क्यू एंड कैपिटल क्यू इनकी पोलैरिटी अपोजिट रहेगी। ठीक है, मतलब क्यू पॉजिटिव है तो कैपिटल क्यू वाले निगेटिव रहेंगे। क्या सही है क्या? तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस साइन होगा तो ये माइनस साइन जरूरी है हमारे लिए। नाउ फोर्स ऑन वी विल बी जीरो इफ रिजल्टेंट ऑन बीसी एंड एफबीए इज इक्वल टू एफबीडी इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज लगे तो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ। फोर्स ऑन छोटा क्यू बाय कैपिटल क्यू should be attractive। क्या सही है क्या? ये फोर्स अट्रैक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, फिर कहा ये जो स्टेटमेंट लिखा कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन एफ बी डी शुड बी इक्वल टू ए बार, कैपिटल क्यू एंड छोटा क्यू शुड अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है, लिखा ही है ऑलरेडी। अट्रैक्ट तभी होंगे जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा। अब हमने कहा कि देखो मेरा एफ बी सी ये एफ आर का एक कंपोनेंट है, डायग्राम से ध्यान में आ रहा है। ठीक है, और इसलिए एफ बी सी को कहा एफ आर कॉस 45, वैल्यूज पुट कर दी, रिलेशन आ गया। इज इट क्लियर? यस सर।